बैक टू माई चैनल। आज हम लोग चल रहे हैं लुलू मॉल और आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग मेरे साथ चलिए। तो आज का ब्लॉग भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अच्छा सो फैमिली, अभी शाम के बाद गए हैं 6:30 और हम लोग चाय वाय पी लिए, उसके बाद निकले हैं लुलू मॉल जाने के लिए। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए और हम आपको दिखाते हैं कि लुलू मॉल किस तरीके से बना हुआ है। वैसे तो लुलू मॉल दुबई में है पर लखनऊ में भी खुल चुका है। तो चलिए मैं आज आप लोग को वीडियो के थ्रू दिखाती हूँ और जो लोग लखनऊ में हैं वो देखे ही हैं, जो आसपास के भी हैं वो लोग भी देख चुके होंगे मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि लुलू मॉल काफ़ी चर्चा में था जब जिस समय खुला था उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया था। तो और जो लोग मेरी वीडियो बहुत मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि बहुत दूर दूर के हैं, तो उनको मैं दिखाई देती हूँ कि लखनऊ का लुलू मॉल किस तरीके से खुला हुआ है, कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, आपको यहाँ से शुरुआत हो गया है लुलू मॉल का और काफ़ी दूर में है। तो अभी आपका व्यू यहाँ से दिखाते हैं कि काफ़ी दूर में लुलू मॉल बना है। यहाँ पे फिनिक्स फ्लॉसियो भी है, वो भी लेकिन लुलू मॉल से छोटा है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका लुलू मॉल लखनऊ लोगो। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में कंटिन्यू और हम आपके साथ शेयर करते हैं अंदर की सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड में जो है वहाँ पे पार्किंग वगैरह भी है, वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में या बाद में दिखाएंगे। वैसे हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा और लोग देखना पता नहीं पसंद करते हैं नहीं करते तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग स्किप मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ अगर आप लोग को लुलू मॉल पूरी तरीके से घूमना है तो मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरीके से देख लिए लखनऊ का लुलू मॉल। तो यहाँ पे हम लोग एस्केलेटर से जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे कि बहुत सारे शोरूम्स हैं और गेम जोन भी है यहाँ पे। तो गेम जोन के एरिया में कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को एक अलग सा गेम जोन का पूरा वीडियो बना के डालूँगी, पर अभी थोड़ा सा आप लोग को एक लुक दिखाऊँ, मतलब एक वो दिखाऊँगी कि कहाँ पे है गेम जोन। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आ गए हम सेकंड फ्लोर पे और हम लोग यहाँ पे बातें वगैरह कर रहे थे और मैंने सोचा आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा घुमाते चले, हम लोग तो घूम ही रहे हैं, आप लोग भी घूमिए साथ में। तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके से है ऊपर का, और ये इधर साइड में है गेम जोन जहाँ पे कि बहुत सारे गेम हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए यहाँ पे इस गेम जोन में। तो यहाँ पे जो गेम जोन है यहाँ पे तरह तरह का गेम है और बहुत सारे झूले हैं, ऐसे झूले जो कि हमने कहीं नहीं देखे हैं जो कि इस मॉल में झूले हैं। तो ये भी एक झूला ही है जो सामने से आपको दिख रहा है लाइटिंग वाला, ये ऊपर नीचे करके जाता है और आपको एक झूला और इधर साइड में है। तो इस वाले झूले पर हम लोग भी झूले थे, ये ट्रेन वाला है थोड़ा सा राउंड राउंड करके जाता है। तो यहाँ पे इस समय हम ही लोग बैठे हैं इस पर, वो भी वीडियो भैया जी ने बनाई थी तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप लगा देते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और गेम जोन में आप अगर वीडियो बनाएंगे तो आपका एक पूरा ब्लॉग तैयार हो जाएगा, बहुत ही बड़ा गेम जोन है लुलू मॉल का। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में इसी तरीके से कंटिन्यू, आपको बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसे देखिए इस तरीके से ऊपर जाता है नीचे आता है राउंड राउंड करके, तीन शिफ्ट में घुमाते हैं, थ्री राउंड कराते हैं, बस उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से सबका अपना एक एक बार वो होता है, यहाँ पे लंबी लाइन भी लगती है। तो वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डाला, जाके देख लीजिए, हम लोग लाइन में खड़े होके जो है झूले के लिए खड़े हैं, तो जिसके नंबर आते हैं वही जाता है। और इसके बाद जो है हम लोग फिर यहाँ पे झूला वूला झूलने के बाद फिर थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए चले गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स हैं। तो पैंडल उन का भी था, तो वहाँ पे जो है विंटर के कुछ कपड़े बेटी के लिए लेने थे तो मम्मी ने बोला। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे तो हमने कहा चलिए थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं यहाँ का वीडियो। मम्मी जी हैं, भैया जी हैं, दीदी हैं, नीलम हैं, श्रुति हैं, सब लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। और उसके बाद चलिए आप लोग को ले चलते हैं शॉपिंग के लिए। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमने सोचा चलिए आप लोग के साथ थोड़ा सा यहाँ का व्यू भी दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छा मॉल है, काफ़ी मुझे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगी, पर
पहली बार दीदी लोग आई थी जब शुरू में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, क्योंकि जब शुरुआत में कोई भी चीज़ें खुलती हैं तो सभी लोग सोचते हैं बस चलो देखाएं देखाएं, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी तो नहीं है। और तो हम लोग आ गए यहाँ पे, पेंटालून का शोरूम था उसमें आए हैं जो कि बच्चे के लिए कपड़े ख़रीदने के लिए। तो मम्मी बोली चलो यहीं पे लेते हैं देखते हैं। तो बच्चों का सेक्शन भी था, बड़ों का सेक्शन भी था, और यहाँ पे विंटर के कपड़े थे और समर के भी थे, तो जिसको जो लेना था। तो अभी सर्दियाँ आ रही चुकी तो इसलिए बच्चे के ज़रूरी होती है सर्दी के कपड़े। तो यहाँ पे जो है मम्मी बोली कि जो भी मतलब अच्छा लगे वो ले लो बच्चे के लिए। तो सभी लोग हैं, हमारे घर में एक लौती बेटी है तो उसके लिए तो सभी सोचते हैं कि कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो मम्मी भी देख रही थी, दीदी भी देख रही थी, हम लोग भी देख रहे थे, सब भी पसंद कर रहे थे आशिक के ऊपर क्या अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे 0 से लेके 15 ईयर्स तक के बच्चों का सब कुछ था। आप लोअर लेते, टी शर्ट लेते, जीन्स लेते, कैपरी लेते, जो भी लेते आपको लोअर वगैरह सब कुछ मिल रहा था A to Z। तो यहाँ पे चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या लिया। और शायद मैं यहाँ पे ना दिखाऊँ, इसका अलग से नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। इसका एक ब्लॉग बना के दूँगी कि मैंने बेटी के लिए क्या क्या लिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए सभी पसंद कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, पर मुझे वीडियो भी बनाना था तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग को भी दिखाती चलूँ कि क्या क्या लिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक अंदर ही कैरी करने के लिए बैग देते हैं जिसमें कि आप जो चीज़ें ली हूँ आप वहाँ पर रख लीजिए, फिर जब पेमेंट करने जाएंगी तो वहाँ पर अपना वो अपने ब्रांड का एक थैला देते हैं। तो चलिए अभी पेमेंट के लिए चलते हैं। यहाँ पे पसंद किया जा रहा था कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, तो जो पसंद आया वो सब ले लिया गया। फिर हम लोग पेमेंट जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे आए थे काउंटर पे। उसके बाद जो है यहाँ पे हमको दिख गई इयर रिंग्स, तो मैंने सोचा चलो इसको भी वीडियो बनाते हैं और पसंद आएगा तो ले भी लेंगे। बहुत ही प्यारी प्यारी इयर रिंग्स थी, 1000 से लेकर 3000 तक थी, पर यहाँ पे 10%, 50% और 30% ऑफ था। ये टॉप्स भी मैंने इसकी प्राइस पूछी तो इसकी 70 या 50 ऐसे कुछ था बताए थे, चूँकि लेना नहीं था तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इयर रिंग्स का कलेक्शन नहीं बनाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मैं वैसे ज़्यादातर गोल्ड ही पहनती हूँ, पर हाँ कभी कभी ये भी सब अच्छा लगता है तो ले लेते हैं, पर अभी इस समय मैंने नहीं लिया है। और इसके बाद जो है यहाँ पे काउंटर पे जो है वो बिल वगैरह बना करके पेमेंट किया जा रहा था। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट वाला आपको फिर इसी तरीके से दिखाएंगे। बहुत ही बड़ा मॉल है, आपको पूरा मॉल घुमाएंगे। शॉपिंग करने में थोड़ी सी टाइम लग गया इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को यहीं पर इसका एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर।